बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ आप लोगों के ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे किचन का कलर है वो कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। इसे हम मज़ीद भी मॉडिफाइड करेंगे, लेकिन यहाँ तक कलर जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। जो जो हम करना चाह रहे थे वो हमने कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कलर हमारा कैसा लग रहा है। और हमारी पूरी टीम किचन में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है ना, नानी अम्मा के हाथ से हम किचन का इफ्तिताह करवाएंगे और किचन में आज हम पहली रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो सब सलाम करेंगे आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर ऑफिस होंगे, देखने वाले जाम रहे, खुश रहे हैं अल्लाह के फजल करम से, हम भी खैर खरीय से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खरीय से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खरीय से हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। तैबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज तैबा ने भी बहुत हिम्मत करवाई है साथ में कलर करवाने में। रोज आ जाती थी अपने हाथ में खराब करके कलर करना शुरू कर देती थी। इसे अभी बोलो ना रंग करना है तो ये अभी शुरू हो जाएगी, ब्रश ढूंढेगी और कलर करना शुरू कर देगी। तैबा, कलर नहीं करना, कलर कलर नहीं करना, आ जाओ रंग करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कलर मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो देखो, वो कहती है मुझे दो, चलो कलर करो, कलर करो, कलर कलर करो। ये देखे जी, कलर करना शुरू कर दिया है। इसने भी हमारी बहुत हेल्प की है, कभी अपने हाथ खराब करके तो कभी है हमारे रंग गिरा के। में क्या बना रहे हैं बहन भाइयों से ये भी बता देते हैं कि आप बहन भाइयों को, आप सबसे पहले तो आज हम इफ्तिताह कर रहे हैं अपने किचन का। तो किचन में आज इफ्तिताह में बना रहे हैं जी मीठा। तो आप बहन भाइयों ने हमारे साथ रहना, मीठे में क्या बना रहे हैं तो बिल्कुल मिस नहीं करनी और वीडियो भी स्किप नहीं करनी है। तैबा बस करो, तैबा बस करो, कलर हो गया है। तैबा इधर देखो, इधर देखो, हेलो, अल्लाह हाफिज। बस जी, कलर हो गया हमारा। तो अभी हम सब जो है ना मिलकर दुआ करते हैं। अभी बड़ी खाला का वेट कर रहे हैं, बड़ी खाला जो ही आती है तो उनसे दुआ करवाते हैं, सब मिलजुल कर दुआ करते हैं और फिर इसमें चीज़ें रखते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले जो है ना दुआ करवाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा आप सब बहन भाइयों से कि आप पहले भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। हमारी अल्लाह पाक मेहनत रंग लाए, हम बहुत मेहनत से इसको बनाए कि यही अच्छे से अच्छा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और गिरोह करें और कामयाब हों। और हमारी कामयाबी का राज आप बहन भाई हैं, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हम कामयाब हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल, हम कुछ भी नहीं है आप लोगों की सपोर्ट के बिना। तो आपने बहुत सारा प्यार दिखाना है और बहुत सारी सपोर्ट करनी है और दुआ करने के अल्लाह पाक हमें कामयाब करे बस। आमीन। यहाँ पर हमने बहुत मेहनत की है, जब भी दो व्लॉग भी बनाना होते थे, हमें घर का काम भी करना होता था और फिर जो वक्त बचता था वो हम यहाँ पे स्पेंड करते थे आके। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुराने देखने वाले बहन भाई हैं उनको तो पता है ये कितना टाइम लगा इस पे, ये नहीं ये आसानी से बन गया। बिल्कुल, आप बहन प्यार और मोहब्बत से बनाया के अच्छा करके दिखाएं उनको, क्योंकि हम भी अपना सिस्टम चला सकें और जो है ना हमारा चैनल ग्रो करे और जो है ना हम अच्छे से अच्छा जो है ना काम करें। तो हम भी अभी दुआ करवाते हैं और आप बहन भाइयों भी ज़रूर बहुत सारी दुआ करें, दिल से दुआ करनी। अल्लाह आमीन। अल्लाह आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली बार हम न्यू चूल्हे में, न्यू किचन में आग जला रहे हैं। और इस साइड को ना मामू ने प्लेट देकर बंद कर दिया है कि कहते हैं कि इसको काला नहीं होने दूंगा, ये ऐसे कैसे पड़ रहा है और हीट जो है वो उधर से जाए। इतनी मेहनत से पड़ा, बहुत मेहनत की है वाकई में। और माशाल्लाह आप लोगों ने कॉमेंट्स एक एक चीज के केयर कर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कामयाबी का राज है, कामयाबी का राज है ये अल्हम्दुलिल्लाह। कांटे हमेशा फूल को तोड़ने के लिए पहले कांटों से हाथ गुजारना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा।
चूल्हे में आग जल चुकी है और देखें कितनी प्यारी जल रही है, और धुआं जो है ना हमारा यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो ना धुआं है ही नहीं क्योंकि नीचे से स्पेस है काफ़ी, तो वहाँ से ये मतलब ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेती है आग। और ये देखें आग कैसे निकल रही है ऊपर से, तो ये चूल्हे का फ़ायदा है, ये समझ लो टेक्निकल चूल्हा है बगैर बिजली के, तेज़ आग वाला। ऊपर से धुआं कैसे निकल रहा है चेक करें। हमारे दोनों देश के अजय ऊपर चढ़ चुके हैं और ये कुछ हमारे ग्रेडियंट हैं। ग्रेडियंट हमने यहाँ पर रख के आप लोगों को दिखाना था, लेकिन आज जो है ना मिठाई हमारे दो पकवान बना रहे हैं, आज हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो इसलिए आज हम दस्ती आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह मिठाई बनानी है। बने ना तो हम दो दो चूल्हे के ऊपर बना के दिखाएंगे। ये देखें जी, एक साइड पर चाशनी बन रही है, चीनी की पानी डाल दिया है, और मिठाई के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है जी सूजी, ये क्या है बड़ी खाला, बेसन। ये है जी पिसी हुई दाल, धोती दाल, ऐसी नहीं धोती दाल, ये है जी पिसी हुई जो माश की कहते हैं, माश की दाल, ठीक हो गया जी। नारियल, और ये है नारियल है साथ में, साथ में है जी बादाम, और साथ में है जी किशमिश। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा है, मेरे ख्याल में एक है गार्निशिंग के लिए और एक है बीच में डालने के लिए। और यहाँ पे सब्ज इलायची वो थोड़ी पीस कर रखी हुई है थोड़ी सी, तो अभी रेसिपी देखते हैं किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर पानी में चाशनी बन रही है चीनी की, जिस तरह आप लोग देखते हैं मिश्री भी डाली है बीच में और साथ में चीनी भी है। चीनी इसलिए डाली है ताकि जो मीठा है वो कम ना हो। और अभी बड़ी खाला इसमें घी डालेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी देखें सर्दियों में कैसे जमा होता है और गर्मियों में पिघल जाता है, ऐसा लग रहा है जैसे मक्खन हो। और डालू? हाँ, थोड़ा डाल दो। मामू गए हुए हैं, एक मेहमान आ गए हैं उसको रिसीव करने के लिए गए हुए, तो हम यहाँ पर रेसिपी बना रहे हैं इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए हैं। चलें कोई बात नहीं, लेकिन हम पहली रेसिपी जो बना रहे हैं वो मीठा बना रहे हैं, और मिठाई बना रहे हैं स्पेशली अपने किचन की बनाई हुई मिठाई जो है ना, तो बनता है इफ्तिताही किचन की जो पहली रेसिपी है वो हम मिठाई बना रहे हैं, ताकि अल्लाह पाक जो है ना हमारे किचन में मिठास भर दे, मिठास भर दे, और हमारे चैनल को भी मिठास लगा दे। इंशाल्लाह लगेगा, लगेगा जरूर, इंशाल्लाह तैबा इधर देख क्या बन रहा है। वो सदके थी वहां फूंके लगा रही हूं। फूंक लगा रही हो? फिर लगाओ फूंक, लगाओ इधर 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 फूंक लगाओ, आग को, आग को फूंक लगाओ। ये देखें बड़ी खाला, प्यारा बेटा खा रही हो, उसने मुंह में भी डाल दिया, वो बाहर चला गया, किस चीज को देख रही हो। अच्छा अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। हमारी जो चाशनी है वो तैयार हो चुकी है, अभी मामी लाचियां ऐड कर रही हैं साथ में। अच्छा ये हमारा जो घी है वो भी ऑलमोस्ट गर्म होने वाला है। हाँ जी, और अभी डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूजी डाल रही हैं बड़ी खाला। साथ में ऐड कर रही हैं बेसन का आटा, बेसन है यानी चने का आटा। अब डालो, मैं चमचा फेरू। इस चूल्हे का यानी फायदा है, दो दो चीजें एक साथ तैयार हो रही है। अब जो हमारे दोनों, हमने इसलिए दो दो बनवाए हैं ताकि हमारे जो दोनों पकवान है वो बिजी रहें। अब एक तरफ चाशनी तैयार हो रही है और दूसरी तरफ बेसन और साथ में सूजी, सूजी और बेसन। कहाँ तक पहुंची आप लोगों की रेसिपी? अल्हम्दुलिल्लाह देखो बहुत करीब पहुंचने वाली है माशाल्लाह जी। और अभी ऐड की जा रही है माश की दाल, इन दोनों का कलर एक जैसा बन गया है। हाँ,
मामू भी आ गए और तैबा भी आ गई। अम्मी अम्मी करते अम्मी, क्या हुआ तैबा, क्या हुआ? अल्लाह हाफिज़ करो। ये काम जादू का राज होता है। बिल्कुल, मामी के हाथ भी जले हैं और मामू के भी जल गए हैं, ये देखें। मुझे तो थैली चिपक गई है, देखो ये अभी तक चिपकी हुई है। मुझे प्लेट चिपकी। शाबाश शाबाश, आज पक्के हलवाई बन गए आपने नए किचन में आके। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, तो अभी हम इसको नीचे उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक सैड न्यूज़ भी है, हमारा जो चूल्हे की ऊपर वाली प्लेट है थोड़ी सी जो है ना वो मतलब उसमें वो क्या के तड़क आ गई है, दराड़ पड़ गई है। अब इसको यहाँ से रख देते हैं, उठा लो। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि सीमेंट की थी ना तो ये हमें पहले से पता था, ये तो आनी थी। थोड़ा बहुत होगा, बिल्कुल अभी थोड़ा बहुत होगी। और अभी ये गीला भी है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत जो है ना पानी वगैरह निकल रहा है बीच में से। चूल्हे की चिमनी है, उसका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि गर्म हुई है, तो उसका कलर भी चेंज हो गया। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा जो पीछे वाला बैकग्राउंड है वो सेव है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ तक कोई धुआं नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेव है। हमारी मिठाई है, उसका कलर चेक करें। और अभी बड़ी खाला ऐड कर रही हैं बीच में किशमिश, बादाम और साथ में खोपरा। तो सबसे पहले खोपरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद बादाम, और उसके बाद ये जाएंगे हमारी आखिरी चीज़ किशमिश। और अभी जो हमारा हमारी मिठाई है वो बादाम, किशमिश और गिरी से यानी कि खोपरे से भर गई है, नारियल से। तो अभी खुशबू भी आना शुरू हो गया, खुशबू ऑलरेडी भी बहुत प्यारी आ रही थी। मामू खुशबू की वजह से आए थे इधर, हाथ भी जला लिया। हाथ चेक करवाइए मामू, अभी ये देखें दोनों के हाथ जल गए। ट्यूब लगाई हुई है, कोई मसला नहीं है। सुबह आपको मशवरा दे रहे थे ना फूल, आपको मशवरा देते देते यहाँ पे प्लेट भी खुद रखवाई और फिर प्लेट को चेक करने के लिए खुद ही ऊपर हाथ रख दिया। मेरा हाथ जला तो मुझे कह रहा चलो थोड़ा सा रो लो। खुशबू लेते लेते नहीं जा रही है। ये तो खा सकते हो आप। हाँ खाऊंगा, किसने बोला नहीं। हाँ बिल्कुल, आपके किचन की मिठाई है तो ये आपको बनती है खाना। अभी यहाँ पर हमने लिखना है महक व्लॉग, यहाँ पे हमारे बड़े चैनल का नाम आएगा महक व्लॉग। और सब बहन भाइयों ने जिन बहन भाइयों ने मिठाई खानी है तो जी मोस्ट वेलकम, जरूर आए हमारे पास। जी बिल्कुल, खुशी होगी हमें बिल्कुल। और यहाँ पर हमने लिखना है विलेज किचन, यहाँ पे लिखा जाएगा विलेज किचन और वहाँ पे हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे यानी के महक व्लॉग। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि हमारा जो किचन है वो आप लोगों को कैसा लगा। ओवरऑल लुक कुछ ये है, यहाँ से आप चेक कीजिए कि किस तरह हमारे किचन की लुक आ रही है। जब यहाँ पे विलेज किचन और वहाँ पे महक व्लॉग लिखा जाएगा तो और ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाएगी। बहरहाल मतलब हमने हर चीज़ को परफेक्ट रखते हुए, कुछ चीज़ ख़राब ना हो, इनकी पेमाइशों को परफेक्ट, इनकी मतलब के हाइट को परफेक्ट रखते हुए हमने ये कुछ सब कुछ क्रिएट किया है कि किसी चीज़ में कोई फ़र्क ना आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। और ऊपर भी ये वाला डिज़ाइन भी आप लोग देखें, ये भी हाइट के हिसाब से जो है ना हमने पूरा पूरा डिज़ाइन किया है ताकि ये ना हो, किसी में फ़र्क ना आए। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है ओवरऑल। और वहाँ पर भी जो बैकग्राउंड है पीछे का चूल्हे का वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से तो आपको पहले पहले पता है, स्टार्ट में हमने यही बैकग्राउंड बनाया था और उसके बाद ये बैकग्राउंड बनाया है। अभी ये वाली साइड थोड़ी सी रहती है, मामू कहते हैं कि इस अगर वक्त मिला तो ये भी साथ साथ में करते रहेंगे, लेकिन हम किचन को जो है इस किचन में बनाना भी शुरू करते हैं और साथ में ये होता भी रहेगा। मैंने कहा ठीक है, ओवरऑल जो बाहर का डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा निकल कर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी तैबा ने जो है ना अपना कोट उतार दिया है मुस्तफ़ा को। तैबा अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़। और इधर जी हमारी रेसिपी भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होने वाली है, अभी चाशनी ऐड कर रही हैं। आराम से आराम से आराम से। और बीच में इलाचियाँ हैं वो भी जाने दे बीच में। ये देखें जी, अब इन्हें अच्छी तरह से सुखाना होगा। मुस्तफा देखो
मुस्तफ़ा भी लकड़ियाँ ला ला के, क्योंकि आज मिठाई खानी है ना। सिस्टर लगा दे वो। देखिए जी, हमारी मिठाई जो है वो गाड़ी होती जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चमचे को नहीं रोकना, चमचा आपने लगाते रहना है। अगर आप ट्राई करें कभी घर में बनाना, बनाना बहुत इजी है, लेकिन इस अभी वो स्टेज आ गया इस मिठाई का कि चमचे को बिल्कुल नहीं रोकना आपने, चमचा चलाते रहना है, लगनी नहीं चाहिए बस। अगर लग गई तो सारा मज़ा ख़राब, ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें कितना सारा ऑयल जो है हमारी मिठाई ने छोड़ दिया है। अभी मिठाई हमारी बिल्कुल रेडी है, नीचे भी नहीं लग रही और चमचे को भी नहीं लग रही, यानी कि हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल तैयार हो गई है इंशाल्लाह। ये जो है ना छोटी कढ़ाई बनाई है ना, जब आपकी शादी होगी बहुत बड़ी कढ़ाई बनाएंगे, सुबह का नाश्ता देंगे हलवा पूड़ी। ये वाली मिठाई बनाकर सब वो क्या कहते हैं बिरादरी को खिलाएंगे। नहीं, ये मुस्तफ़ा की शादी पर करेंगे, ऐसे नहीं मुस्तफ़ा शादी। हाँ। मुस्तफ़ा तो अभी बच्चा है ना, क्या पता इसकी शादी पे हम जिए मरे। अब तो आपकी तो शादी होनी होनी है, इसकी शादी का कोई अल्लाह पाक खैर करेगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है ना सबसे पहले ये घी निकाल लेते हैं बीच से, और फिर उसके बाद हमने जो मिठाई बनाई है वो इस बड़े से प्लेट में हमने डाल ली है, और अभी इसको सजाते हैं, ऊपर गार्निशिंग करते हैं। हर चीज़ हमने मिक्स करके ऊपर डालना शुरू कर दी है। ये देखें जी, अब इसको प्रेस कर देते हैं ताकि जो हम टुकड़ी इसमें से काटें उसके साथ ये हर चीज़ आनी चाहिए, गिरे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मिठाई जो है हमारी वो तैयार है, और ये देखे तैबा कहती है कि मुझे दो। हाँ। तैबा आपने खानी है, खुश हो रही है, मिठाई खानी है ना अम्मी, दो तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मिठाई तो हमारी बन चुकी है, और मिठाई हमने जो है ना बना ली अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी बच्चों को बुलवाते हैं। हाँ, सबसे पहले उससे पहले नानी हम को टेस्ट करवाते हैं कि हमारी मिठाई कैसी बनी, और हम सब ने करवाते हैं और सब फिर बच्चों को देते हैं, घर वाले भी सिर्फ बाद में खाएंगे। नानी अम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं थोड़ी सी लेकर आया हूँ, आप पहले चेक करें फिर मैं प्लेट भर के लेके आता हूँ। मैं खाऊंगी जी, और दुआ भी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बताएं। बहुत अच्छी है ना। चलें जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। नानी अम्मा का साइन अप मिल चुका है, और बच्चे भी माशाल्लाह आनंद जमा होना शुरू हो गए हैं। अभी बच्चों को भी देते हैं, और मामू और मामी जो है ना वहाँ पर प्लेटें वगैरह का इंतज़ाम वगैरह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर बच्चे भी सारे जमा होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर तैबा भी हमारी आ चुकी है। तैबा आपने भी खाना है, तैबा आपने खाना है, आपने खाना है। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अभी बच्चों के साथ खेल रही है। अल्लाह 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 अल्लाह। ये लो और ये खाओ, और बहुत सारी दुआ करनी है हमारे लिए। बिल्कुल, ये देखें बड़ी खाला भी लेकर आ गई हैं, और बच्चों को यहाँ पर बिठा दिया और सुकून से यहाँ पर खिलाते हैं। खा के दिखाओ सब कैसी है। तैबा को भी दो ना, तैबा भी कह रही है मुझे भी दो। कैसी है? बहुत मज़े की है, मज़ेदार है, मज़ेदार है, मज़ेदार है। आपको तो मिली नहीं, आप क्यों कह रहे हो मज़ेदार है। चलें जी, अभी आ रही है और लेके आ रहा हूँ, और चार पे और आ रही है, वो बड़ी खाना लेके आ रही है इधर। चलें जी, ले आए ले आए। अभी मामू तीन तीन बच्चों की डाल के लेके आए हैं। जूते उतार दो शाबाश। ये आप तीन खा लो, आप तीन
ये इधर एक ये तीन बंदे खाओ ना इधर 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 आप इधर आ जाओ आप इधर आ जाओ इनके साथ चलो इन तीन को देता हूँ इन तीन बच्चियों को ला के दें बस यही रहती है ना नानी वहाँ मजे किया है ना देख फिर वो कह रही है कि मैं पूरी प्लेट खा गई हूँ मुझे पहले कह रही थी सारी मैंने खानी है अब सारी खा गई है देखो हमारी रेसिपी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनी है मुस्तफ़ा भी आ गए हैं मुस्तफ़ा आपको भी चाहिए हाँ। आपने भी खानी है नहीं चाहिए ये कहता है मुझे नहीं चाहिए मुझे जो है ना ये मामू से ना दरअसल सुबह से नाराज हुआ हुआ है छोले खाने थे इसने ये तो कहता है मुझे नाश्ते में बस छोले ही मिले और कुछ चीज हो ही ना लेकिन छोले वाला अड्डे पर था नहीं तो तब से नाराज है जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल इधर आओ मुस्तफा गिर जाऊंगा तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सब बहन भाइयों को पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़